नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी के लोकसभा में हिंदुओं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है। पर जहां एक तरफ चर्चा होती है तो विरोध भी होता है और राहुल गांधी के बयान पर बवाल होना भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया। यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। उग्र आंदोलन से कोई बवाल ना हो सके, भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने ना आ जाएं, उसके लिए लखनऊ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की तरफ जाने से रोका गया। इस दौरान हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव द्वारा इस पूरे आंदोलन को दिखाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की गई। लोकतंत्र के मंदिर संसद में राहुल गांधी ने जो हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ जो बोला है, हिंदुओं की भावनाएं आहत की है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, उसके लिए ये प्रदर्शन है। राहुल गांधी अभी चुनाव होने से पहले मंदिर मंदिर जाकर हिंदू बनने का काम कर रहे थे, ढोंग रचा रहे थे। अब तो ये पूरे जग के सामने जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी मौलाना राहुल गांधी हो गए। अभी तक लोग पप्पू की उपाधि दिए थे, ये मौलाना राहुल खान हो गए जी। हम पप्पू दाऊ से पहले राहुल गांधी पप्पू रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये संसद में खड़े होकर हिंदुओं को गाली दे रहा है। मैं एक बार राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, एक बार इस्लाम धर्म पे बोल के दिखाएं, इनकी अपनी औकात मालूम चले जाएंगे। अपने बाप दादा जो खान को चेंज करके गांधी लगाया है, उसके बाद हिंदुओं को जो गाली दे रहे हैं कि वो हिंसा करते हैं, हिंदू धर्म से शांत कोई धर्म नहीं है जो सबको लेके अपने साथ लेके चलता है। इनको शर्म आनी चाहिए जो संसद में खड़े होकर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हम हिंदुओं की भावनाओं भड़काने के खिलाफ राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। राहुल गांधी को हम लोग सदन के अंदर हम नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। अब वो सदन में जाएंगे तो उनका दहन वही गेट में हम लोग कर देंगे। हिंदू के खिलाफ बोलना, ये आप समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को संसद के अंदर हम लोग नहीं जाने देंगे। राहुल गांधी द्वारा का संसद भवन में जिस तरह से बयान दिए गए हिंदू को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर अब आंदोलन का माहौल है। फिलहाल हमको बता दें, यहाँ पर हम खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर थोड़ी दूर पर, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आ चुके हो यहाँ पर। फिलहाल वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, एक पुतला भी लिए है और लगातार पुतलों पर जूतों की माला चला कर पुतलों को मारा जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी होश में आओ, क्योंकि राहुल गांधी कल बड़ा बयान दिए, उसको लेकर लगातार यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता उनकी व्यवस्था में है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे उनको कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने से रोका जैसे कि। हालांकि यहाँ पर सब लोग प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बड़ी मजबूत है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रयास जरूर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैरिकेडिंग में खड़े हुए और बैरिकेडिंग खड़े होकर यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने का प्रयास करते। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बड़ा आंदोलन है, बड़े यहाँ पर उग्र है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की टिप्पणी आई है, नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी आई है, उसको लेकर लगातार इनका आंदोलन उग्र हो रहा है। पुतला भी लिए और कहा जा रहा है कि पुतला ध्यान करना चाहते हैं कांग्रेस कार्यालय के पास में, और यहाँ पर उसी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पुलिस बैरिकेड में चढ़ चुके हैं और जाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबका एक ही यहाँ पर उद्देश्य है कि राहुल गांधी यहाँ पर माफ़ी मांगे, राहुल गांधी गलत बयान दिए हैं और उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार उग्र है और लगातार प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं और पुतला यहाँ जलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई हुई है और बैरिकेडिंग के माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता को रोका जा रहा है पुलिस द्वारा। यहाँ पर पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने से रोका जाए, वहाँ पर माहौल खराब ना हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या कुछ घटित होगा स्पष्ट नहीं है, पर फिलहाल यहाँ पर जो आंदोलन है वो यहाँ पर लगातार उग्र है और सबकी एक ही मांग है, राहुल गांधी यहाँ पर माफ़ी मांगे और साथ ही साथ यहाँ पर पुतला लेके आए हैं। उनका कह रहा है कि हम कांग्रेस कार्यालय के पास यहाँ पर पुतला दहन करते नजर आएंगे। क्योंकि दीपक के साथ गौरव सी भारत लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।